हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लैपटेक। आज हम आपको डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे, इसका यूज और इसकी हैंडलिंग। सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसको यूज कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले ये हमारा रैचिट हो गया। रैचिट का प्रयोग मूव करने के लिए किया जाता है इसमें। देन इसके बाद ये हो गया सर्कुलर स्केल, जिसमें माइक्रोन की रीडिंग्स होती हैं। देन इसके बाद हमारा हो गया मेन स्केल, जिसपे 0 से लेकर 25 तक का एमएम का स्केल होता है। देन उसके बाद होता है इसका बेस, जिससे हम बेस को जिस बेस को हम डेप्थ के लिए यूज करते हैं। देन इसके बाद इसका लॉक हो गया, ये इसका लॉक है, लॉक एंड की। इसको लॉक करके ही हम इसको मूव करते हैं। अभी हम आपको इसका कैलिब्रेशन की और दिखाएंगे। ये इसका कैलिब्रेशन की है। अगर थोड़ा बहुत एरर माइक्रोमीटर में हो तो इस की से हम कैलिब्रेट कर देते हैं। देन इसके बाद इसके एनविल होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये 25 25 mm की है और ये 50 mm की है, क्योंकि इसकी रेंज 50 mm की है। 0 से लेकर 50 mm की इसकी रेंज है। एंड इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। तो अभी हम इसको आपको एनविल को लगाना सिखाएंगे, कैसे इसमें यूज होता है एनविल। अभी हम लेंगे इसमें 25 mm की एनविल, इसको लगाना ऐसे इस तरीके से है। देन इसके बाद इसको हम ज़ीरो करेंगे। जीरो करने के लिए हम इसको सरफेस प्लेट पे रखेंगे। सरफेस प्लेट एज ए इसका मास्टर होता है। सरफेस प्लेट पे इसको जीरो जीरो करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। यूज करने का तरीका इसका, दोनों हाथों से इसको मूव करना है, प्रेस करना है। देन इसके बाद इसको रैचिट को प्रयोग करना है। देन इसके बाद इसको लॉक करके ही इसको हम मूव करेंगे, फिर देखेंगे इसमें एरर कितना होता है। अभी देखो दोस्तों, ये ज़ीरो है बिल्कुल, तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है। फिर इसमें हम आपको डेप्थ डेप्थ कैसे चेक करते हैं वो बताएंगे अभी हम आपको। तो अब हम आपको इसका डेप्थ मेजर करके दिखाएंगे। तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम यहाँ पे 2.5 की दो स्लिप गेज ले रहे हैं सेम साइज में। इसको यूज कैसे करते हैं, जीरो तीन बार रैचिट का प्रयोग करना है। तीन बार रैचिट का आवाज आने पर इसको लॉक करके इसको मूव करना है। अभी आप देख सकते हो 2.5 पे हमारा 2.5 ही आ रहा है, 2.50। हम आपको 15 mm पे और करके दिखाते हैं कि 15, ये हमारा 15 mm का स्लिप गेज है। देन दूसरा भी 15 mm का है। सबसे पहले हमें जीरो करना है सरफेस पे, फिर उसके बाद इसको लॉक करके इसको मूव करना है। देन इसके बाद इसको जीरो देखना है, जीरो है या नहीं है। फिर उसके बाद इसको इसका डेप्थ चेक करना है। टैप चेक करने के लिए इसको दोनों स्लिप गेज के ऊपर रखेंगे। देन इसके बाद उसको रैचिट का प्रयोग ही करना है। इसमें रैचिट का प्रयोग करना है धीरे 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 धीरे। तीन बार रैचिट का प्रयोग करना है। तीन बार आवाज आने पर इसको लॉक करके इसको मूव करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये 15 mm पे 15 mm ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसी तरीके से हम डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें।